दोस्तों, उत्तराखंड की परसी चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने यात्रा को आरामदायक और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। चार धाम यात्रा के लिए देश विदेश से आने वाले टूरिस्टों के लिए टूरिज्म विभाग रजिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया शुरू करता है। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। वहीं यात्रा मई के महीने से शुरू हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के संबंध में भी आप लोगों को बड़ा जल्दी इसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है। गंगोत्री और यमुनोत्री की तिथि अभी बाकी है। ऐसे में टूरिज्म विभाग ने मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने की कार्रवाई करता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई से खुलेंगे। बोर्ड की माने तो ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और अन्य स्थानों पर 15 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए टूरिज्म विभाग की एक एजेंसी ने दो बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ट्रायल भी शुरू किया है। अक्षय तृतीया 10 और 11 मई को है। अभी तक गंगोत्री और यमुनोत्री समिति की ओर से कपाट खोलने की आधिकारिक तिथि कोई तय नहीं की है। तिथि घोषित होने के बाद ही चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की आधारिक तिथि घोषित की जाएगी। दोस्तों, अभी तक गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति की ओर से आधिकारिक रूप से कपाट खुलने की तिथि तय नहीं हुई है। मार्च आखिरी सप्ताह तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। 15 अप्रैल के बाद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाती है। चार धाम यात्रा 2023 के दौरान करीब 56 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए थे, जबकि अकेले 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बनाया था। 2023 में बाबा केदारनाथ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 19,61,000 पहुंच गई थी। उत्तराखंड के टूरिज्म मंत्री सतपाल जी ने बताया कि चार धाम यात्रा में इस बार काफी श्रद्धालु आने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां बड़ी जोरों से की है। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।